हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जेल में चक्की पिसाऊंगा, बाहर निकल काट देगा। आपकी भी है, अपने भैंसों की भी है। चल हट। एक तो हमारे गाड़ी का भरता बनते बनते बच गया और ऊपर से भैंस कर रही है। चल निकल बाहर। तुम दोनों का भी भरता बना दूंगी। धमकी क्या दे रही है? चल निकल बाहर, दिखाती हूँ तुझे। चल बाहर निकल। अरे इसे तो चोट लगी है, खून भी बह रहा है। पहले इसको जेल जाना होगा। क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो हमारा एक्सीडेंट किया है, अभी यहाँ आके भी एक्सीडेंट किया है। बोलो। अरे ये तो बेहोश हो गई। बट बॉय स्पेशल लेकर आओ, इसको खोलो। दरवाजा खोल, खोलो इसको। अंदर से लॉक है, इसकी जान खतरे में। खोलो इसको कोई। ए लड़की दरवाजा खोल। नर्स जल्दी से इसका इलाज करो, पुलिस स्टेशन ले जाना है। इसके वजह से आज मर जाते हम। चाहे कुछ भी हो जाए छोड़ूंगा नहीं इसे मैं, इसे जेल भेज कर रहूंगा। हमारी जान चली जाती तो। शर्म आनी चाहिए आपको, इस लड़की की इतनी हालत खराब है और आपको पुलिस स्टेशन की पड़ी है। आप यही रुके, आप अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, तुम अपना कर्म करो, हम अपनी शर्म करते। जल्दी इलाज करो। आज हम इसकी वजह से मर जाते उसका क्या? हाँ, और तुम भी उसकी जगह लेटी होती तो। मैं क्यों? मुझे पता है तुम चाहते हो कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए। नलिनी, नलिनी कहाँ है? हमें क्या मालूम, तुझे क्या? हम यहाँ के रिसेप्शनिस्ट लग रहे हैं। अरे अभी एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, उसको थोड़ी देर में अंदर लेकर आए थे, कहाँ है वो? लगता है ये लड़की उसकी दोस्त है। अच्छा, वो तेरी फ्रेंड है? आज तेरी फ्रेंड की वजह से मैं स्वर्गवासी होते होते बच गई। अच्छा, वो तुम दोनों हो? मुझे बाहर से अभी पता चला है मेरे दोस्त का एक्सीडेंट तुम दोनों की वजह से हुआ है। क्यों, क्यों किया तुमने ऐसा? अगर मेरे दोस्त को कुछ भी हुआ मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, केस कर दूंगी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे तुम क्या केस करोगी? हम केस करेंगे तुम्हारे दोस्त के ऊपर। दारू पी के गाड़ी को ठोक दिया है, चकनाचूर कर दिया हमारे गाड़ी को, ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में अंदर भेजूंगा, समझे? कानून मत सिखा मुझे, मैं वकील हूँ। तुम दोनों तो गए काम से। ये तो हमें धमकी दे रही है मुन्नू। हाँ, मुझे भी कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा है। देखो आप हमें इस तरह से धमकी नहीं दे सकते। ये क्या हो रहा है? शांत रहिए, जरा शांत रहिए, हॉस्पिटल है, कोई मच्छी मार्केट नहीं। अरे आप लोग सब जानते हैं ना कि अस्पताल है और उसके बाजू में आसपास कहीं भी ध्वनि प्रदूषण किया तो आपको सजा हो सकती है। सॉरी डॉक्टर साहब। शांत रहिए। इलाज सर, पूरे शरीर पर कम से कम 25 से 30 घाव होंगे। कितनी बेरहमी से मारा है इसे, इतनी नफरत। कोई पुरानी दुश्मनी होगी सर। ये
सर, डस्टबिन में से ये खून से सनी हुई कैंची मिली है। लगता है इसका खून इसी से किया गया है। ये देखो अभिजीत, और टेम्परेचर के हिसाब से तो लगता है कि 5-6 घंटे पहले खून हुआ है, शायद रात को 2-3 बजे के करीब। डॉक्टर साहब, ये पेशेंट कौन है? सर, यहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन वेद जी, इनका बेटा है राकेश, 2 दिन पहले ही यहाँ एडमिट हुआ था। किस चीज का इलाज कर रहे थे, क्या हुआ था इसे? फूड पॉइजनिंग, पर काफी अच्छा सुधार हो चुका था, आज तो हम उसे डिस्चार्ज भी देने वाले थे। अच्छा, किसने खून किया होगा, कुछ बता सकते हैं आप? नहीं सर। आखिरी बार कब देखा था आपने इसे? लगभग रात को 11 बजे, जब मैं फाइनल राउंड अप के लिए यहाँ आया था। तब तक तो सब ठीक था, राकेश दवाई लेकर आराम कर रहा था, और उसकी माता जी भी यहीं पर थी, अंदर सोफे पर। यहाँ? जी। अब कहाँ है मम्मी? वो रही सर, बाहर बैठी है। आप तो कमरे में ही थी ना, राकेश की देखभाल करने के लिए? हाँ सर, मैं यहीं पे रुकी थी। रात को करीब 9 बजे मैंने अपनी बेटी और लावण्या को घर भेज दिया था। उसके बाद मैं राकेश की देखभाल के लिए यहीं रुक गई थी सर। तो फिर 2-3 बजे के बीच आप कहाँ थी जब ये हादसा हुआ? सर, मैं अंदर ही थी। अगर आप यहीं पर थे तो शायद आपने खूनी को देखा होगा। याद कीजिए, क्या आपने यहाँ से किसी को आते जाते देखा? नहीं सर, मैं अंदर सोफे पे सो रही थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो राकेश की लाश को देखा मैंने। कितनी बेदर्दी से मारा मेरे बेटे को सर। अगर मुझे पता होता तो मैं अपने बच्चे को बचा नहीं लेती सर। अभिजीत, ये कैसे हो सकता है? राकेश का खून हो रहा था और उसकी माँ बगल में सो रही थी, उसे पता नहीं चला। अब राकेश का जब खून हो रहा था तो खुद को बचाने के लिए वो चीखा चिल्लाया होगा, हाथ पैर झाड़े होंगे, कुछ तो सुनाई पड़ता माँ को। माँ इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि उसे सुनाई तक नहीं पड़ा। ऐसी नींद की शायद किसी ने जैसे बेहोशी की दवा दी हो। अभिजीत, मुझे तो यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लगती है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, क्या आपने हॉस्पिटल में कल कोई अजीब बात होते हुए देखी? मेरा मतलब है, कोई अजीब आदमी या अजीब हादसा, कुछ भी? सर, कल हॉस्पिटल के बाहर एक एक्सीडेंट हुआ था। एक लड़की की गाड़ी हॉस्पिटल की दीवार से टकरा गई थी और उसके सर पर काफी चोट भी आई थी। कैसी हालत अभी उनकी? सर, अभी तक होश नहीं आया है। तो इसमें अजीब क्या है? सर, वो ड्रिंक एंड ड्राइव का केस था। उस लड़की से एक आदमी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और वो दोनों आदमी औरत तो उसका पीछा करते करते हॉस्पिटल में आए थे और जिद कर रहे थे कि उसको पुलिस के हवाले करके ही मानेंगे। कब कब हुआ था ये? यही रात के 10:30 बजे के आसपास। वो कपल तो यही बैठकर उस लड़की के इलाज होने का इंतजार कर रहे थे ताकि उसके बाद वो उसे पुलिस चौकी ले जा सके। तभी उस लड़की की एक दोस्त भी यहाँ आई। उन लोगों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि मुझे खुद यहाँ आकर उनको शांत करना पड़ा। तो फिर लेके गए उसे पुलिस स्टेशन? हाँ सर, डिस्चार्ज के बाद ले गए। कब कब डिस्चार्ज दिया था लड़की को? लगभग 2-3 बजे के आसपास। तो उसे 3 बजे के बीच तो खून हुआ है। कौन से पुलिस स्टेशन में लेके गए, कुछ बताया? शायद शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन ले जाने की बात कर रहे थे।
सर एफआईआर से पता चल जाएगा वो लड़की और कंप्लेंट करने वाले कपल के बारे में। निखिल जरा शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन में फोन करके पूछो कोई ड्रिंक का ड्राइव का केस है क्या वहां पे। डॉक्टर साहब एक काम कीजिए, कल रात 10:30 बजे से लेकर आज सुबह 7 बजे तक यहाँ हॉस्पिटल में जितने भी लोग मौजूद थे, पेशेंट के रिश्तेदार हो, दोस्त हो, जो भी कोई हो, उन सब की लिस्ट चाहिए हमें। ओके सर, ओके, थैंक यू। सबका कहना है कि कल रात ड्रिंक एंड ड्राइव का कोई भी केस उन लोगों ने दर्ज नहीं किया। ड्रिंक एंड ड्राइव का केस दर्ज नहीं हुआ है अभिषेक? ये चक्कर क्या है? मुझे तो गड़बड़ लगती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि राकेश का खून और इस लड़की के गाड़ी का एक्सीडेंट होना, ड्रिंक एंड ड्राइविंग का केस दर्ज होना, कहीं ना कहीं तो संबंध लगता है। क्या लगता है तुम्हें? हो सकता है सर वो लोग पुलिस स्टेशन गए ही नहीं, हो सकता है ये एक्सीडेंट भी नकली। लेकिन सर वो एक्सीडेंट असली था और उसकी चोट भी असली थी, उस लड़के के सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। बड़े बड़े काम करने के लिए थोड़ा खून पसीना बहाना पड़ता है, इतना बड़ा कांड किया है, थोड़ा बहुत खून बह गया हो तो क्या कह सकते हैं। हाँ? फ्रेडी सिस्टर के साथ जाओ और उस लड़की का स्केच बनवाओ जिसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। अभिजीत हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और उस गाड़ी के डिटेल्स भी निकालते हैं, और तो और उस कमरे का भी चेकिंग करते हैं जहां पर उस लड़की का इलाज हुआ था। आइए सर। सर यही वो कमरा है जहां पर उस लड़की का हमने इलाज किया था। लग जाओ काम पे, एक एक कोना छान मारो इस कमरे का। सर हाँ? एक भी सुराग हाथ नहीं लगा। सर उस लड़की का कोई सामान भी नहीं है यहाँ पे। सर उधर भी कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं, और हम तो ये सोचकर चल रहे हैं कि खूनी शायद लड़की है। चलो मान लिया कि खूनी लड़की है तो फिर वो यहां इस फर्स्ट फ्लोर के कमरे से सेकेंड फ्लोर पर कैसे गई होगी? कैसे गई होगी? ये कमरा फर्स्ट फ्लोर पे है, यहां पर इस लड़की पर इलाज हुआ था, खून हुआ था सेकेंड फ्लोर पर। तब ये खूनी सेकेंड फ्लोर पर पहुंचा कैसे? पहुंचा कैसे? अच्छा ये देखो, रनिंग पैरापेट है, खूनी पैरापेट के ऊपर से लगता है इस पाइप के जरिए सेकेंड फ्लोर पर गया। लेकिन पैरापेट पर उतर जाओ, आ जाओ संभल के, संभल के। निखिल संभल के। सर हाँ यहाँ पे सूखा हुआ खून मिला है सर, पाइप पे लगा। सूखा हुआ खून मिला तो फिर जरूर खूनी इसी रास्ते से गया होगा राकेश का खून करने सेकंड फ्लोर पर। देखो देखो और कुछ मिलता है क्या? बारीकी से देखो, ऊपर और जा सकते हो? हाँ सर। चलो वेरी गुड, जाओ। यहाँ पे सर घिसड़ने के निशान है और यहाँ पे खाल भी लगी हुई है सर, ऐसा लग रहा है कोई घिसड़ गया। अच्छा ठीक है, सर यहाँ से ये नहीं पता चल पा रहा है कि राकेश का रूम कौन सा है। एक काम करते हैं,
हम लोग ऊपर जाके राकेश के कमरे की खिड़की खोलते हैं। सर निखिल आराम से। सर कोई घाई नहीं है। ठीक है आने के लिए रास्ता? हाँ सर। मतलब खूनी यहीं से आया था? सर फर्स्ट फ्लोर के कमरे की खिड़की और इस कमरे की खिड़की दोनों अंदर से बंद थे, तो सर खूनी ने अंदर आके खून किया कैसे? और सर जब खून हुआ तो राकेश की माँ भी नहीं उठी। और तो और सर राकेश की माँ के रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें कोई नशीली दवा भी नहीं दी गई। इसका एक ही मतलब हो सकता है श्रेया, कि हॉस्पिटल का कोई है, हॉस्पिटल का कोई है जो खूनी के साथ मिला हुआ है। सर वो सीसीटीवी फुटेज में वो आदमी का चेहरा नहीं दिख रहा सर। उसने चेहरा ढका हुआ था क्या? सर नहीं, चेहरा ढका हुआ नहीं था, नगर वो नीचे देख रहा था। अबे अरे यार आराम से चला, ध्यान से। क्या है ना सर, वो सीसीटीवी फुटेज में वो आदमी का चेहरा नीचे की तरफ था और ऐसा लग रहा था कि उसे पता है कि कैमरा कहाँ लगा हुआ है। उस फुटेज में गाड़ी का नंबर तो दिखा होगा, है ना सर? एक काम करो, उस गाड़ी के डिटेल्स पता करो। सर मैंने अपना दिमाग और अपने जासूस जोड़ा दिया सर, गाड़ी के सारे डिटेल्स है हमारे पास। क्या बात है, कभी कभी गलती से तुम सही काम कर जाते हो। सर ये तो अभिजीत सर हैं, इसलिए हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, वरना ये तो गाड़ी के बोनेट में ही अटका रहता। अरे, अरे ये सब क्यों बोल रही हो? श्रेया क्या नाम है उस कपल का जो उसका पीछा कर रहे थे? सर आदमी का नाम गबरू है और उसने अपने किसी मैकेनिक दोस्त की मदद से वो गाड़ी भाड़े पे ली। कौन से खोली में रहता है ये? सर खोली नंबर 420। 420? हाँ सर। जैसा काम वैसे खोली का नंबर। तो भाई साहब जी ये गबरू कहाँ रहता? सर वो तो रामलीला में है। ये सामने? हाँ जी। मैं हूँ रावण, लंकाधिपति रावण, दस मुंह वाला रावण। ए हसो मत, नहीं तो चमाट मार दूंगा। तो मेरे पास है सर्वशक्ति, सर्वशक्ति है मेरे पास, मैं कर दूंगा सबका सर्वनाश। अरे ओए, तेरा सर्वनाश करने हम आए हैं। और कौन हो आप लोग? गबरू देख तेरे पैर आ गए। जाओ यहाँ से, रावण का सीन चल रहा है। अबे तेरा सीन देखने नहीं आए, तेरे इस नाटक से पर्दा उठाने आए, समझा? पर्दा उठाने? पर्दा तो कब का उठ चुका है, जाओ डिस्टर्ब मत कराओ। मैं हूँ रावण। डिस्टर्ब तो तुमने कर दिया हमें, अब ये नाटक बंद कर, हम लोग सीआईडी से हैं। क्या सीआईडी से? यहाँ पे रख लो, पहले बताना था ना। भागो रावण भागो। ओके निकल, पकड़ो से। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। छोड़ सीआईडी बिचारी, अरे मैं तेरा मन्नू मामा छोड़, अरे छोड़ नहीं, जल्दी ये ठूस चल। भाग भाग भाग।
अरे आगे भी सीआईडी, पीछे भी सीआईडी, यहाँ पानी। बहुत भाग दौड़ कर लिया, चुपचाप खड़े रहे, जरा सा भी हिला ना तो जितने सारे सब एक साथ फोड़ दूंगा। साहब ये भाड़े के हैं साहब। अबे तू रावण है क्या पीटी उषा? नहीं नहीं सर, नहीं सर, इतना दौड़ाता है। अब ये बताओ तुम लोगों ने राकेश का खून क्यों किया? हमने किसी को नहीं मारा। डरे हुए चूहे की तरह भाग क्यों रहा था? अरे सीआईडी बोले तो डर के मारे भाग निकल गई। नहीं सब ये भाड़े का है। भाड़े का? ये भी? अब सच सच बता, कत्ल से ठीक पहले तुम लोगों ने वहाँ हॉस्पिटल के बाहर एक्सीडेंट का नाटक क्यों किया था? हमारी कोई गलती नहीं है सर, उस लड़की ने कहा था हमें ये सब करने के लिए। लड़की? कौन सी लड़की? जिसने एक्सीडेंट का नाटक किया। नाम क्या उस लड़की का, पहचानते उसे? कहाँ मिले थे उसे? नाम तो नहीं पता, हम नहीं मिले, वो हमें मिलने आई थी चौल में। परसों रात को ही बोली वो तो मेरे एक्टिंग से बहुत इंप्रेस, बहुत इंप्रेस। आपने देखा ना अभी मेरे एक्टिंग एकदम रियल है कि नहीं? बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, बहुत अच्छे भागते हो तुम। ये बताओ किस लड़की ने तुमसे कहा क्या था? उसने मुझे रोल ऑफर किया रियलिटी शो के लिए और बोले हर जगह ना छुपे कैमरे होंगे, तुम्हें बस है कि नहीं रोड एक्सीडेंट का नाटक करना है, भाई को तो बोलना। अच्छा फिर तुम दोनों ने भेष क्यों बदला? उस लड़की ने कहा था हमें भेष बदल के एक्टिंग करने के लिए। देख तेरे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो कुछ भी उस लड़की के बारे में जानता है बता। उसे पहचान सकता है तू? नहीं पहचान सकता, वो जब भी मिली है ना वो ऐसे चेहरे पे स्कार्फ पहन के आती थी और काला चश्मा, रात को भी कैसे चेहरा दिखेगा। अरे जब हॉस्पिटल में एक्सीडेंट हुआ था तब तो उसकी शक्ल देखी होगी ना तुमने? नहीं वो खून से एकदम लथपथ, एकदम लाले लाल था, मुंह पहचान में नहीं आया। अच्छा उसे किसी से बात करते हुए सुना? नहीं सुना तो नहीं। हाँ लेकिन मुझे बोली कि तुम बहुत ही अच्छे एक्टर हो, दोबारा जरूर बुलाएंगे। दोबारा बुलाएगी? हाँ। मतलब वो एक और खून करने वाली? ले चलो ने। तुम्हें एक काम बोला था मैंने और वो भी तुम भूल गए। कभी ऐसा हो जाता है? नहीं ये जो हुआ है ना जानबूझकर हुआ है, जानबूझकर तुमने सनस्क्रीन घर पे छोड़ा है ताकि मैं या धूप में काली पड़ जाऊँ और अपने कजिन की शादी में सबसे गंदी लगूँ। सॉरी डार्लिंग, हम तुम्हारी कजिन की शादी में नहीं जा पाएंगे, वो क्या है ना कि मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। मुझे पता था, जानबूझकर तुमने छुट्टी नहीं ली ना ताकि मैं अपनी कजिन की शादी में ना जा पाऊँ। अरे नहीं बाबा ऐसा नहीं है, अभी पिछले हफ्ते तुम्हें गोवा घुमाने के लिए मैंने छुट्टी ली थी, अब छुट्टी लूंगा ना तो बॉस मेरी हमेशा के लिए छुट्टी कर देगा। तो क्या हुआ, दूसरी नौकरी ढूंढ लेना, वैसे भी ये नौकरी कौन सा सोना बरसा रहा है हम पर। दूसरी नौकरी? अरे तुम्हारे चक्कर में पहले तीन तीन नौकरियां छोड़ चुका हूँ मैं। ये गलती भी अब मेरे ऊपर, सारी गलती ना तुम मेरे ऊपर ही डालो, तुमसे शादी क्यों की थी मैंने। हाँ यार ये सवाल मैं अपने आप से भी पूछ रहा हूँ, आखिर मैंने शादी की ही क्यों? अरे भाई छोड़ो यार ये झगड़ा वगड़ा, सब ठीक हो जाएगा। अरे कुछ भी सही नहीं होगा यार, मेरी एक बात ध्यान से सुनना, कभी शादी मत करना, पति बनने के बाद ना सारी अकल घास चरने चली जाती है। क्या तुम ये सोचते हो मुझसे शादी करके पछता रहे हो ना? हाँ, नहीं 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 डार्लिंग, मैं अपने मायके जा रही हूँ। अरे सुनो तो सही, तुम रहो अकेले। अरे अरे डार्लिंग मेरी बात तो सुनो, अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। अरे सुनो, सॉरी डार्लिंग प्लीज मेरी बात तो सुनो। अरे मुझे नहीं सुनना है। अरे मेरी बात तो सुनो, तुम रहो, तुम अकेले रहना चाहते हो ना, प्लीज मेरी बात तो सुनो, तुम खुश रहोगे ना। अरे ये क्या बात, मैंने सुनने वाली। अरे प्लीज डार्लिंग मेरी बात तो सुनो। तुम जिंदा हो? ये तो मनन की आवाज है। हाँ। मनन, मनन ये तो मर गया। मनन, मनन रस्सी से गला दबा कर मारा गया है, गले पर रस्सी का निशान
इतना गहरा है, लगता है बहुत ज्यादा प्रेशर से मारा गया है इसे। सर, इसके शरीर पे कोई और निशान, कोई फिंगरप्रिंट जिससे खूनी के बारे में कुछ पता चल जाए? नहीं, देखो खूनी बहुत चालाक है, उसने कोई ऐसा निशान नहीं छोड़ा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है पहले इसे सामने से धक्का दिया गया और उसके बाद इसे सामने से ही रस्सी से गला दबा करके मारा गया। देखो मैं बताओ, अगर इस रस्सी को गले की तरफ रख के कोई पीछे की तरफ से खींचेगा तो ये परेशानी यहाँ ऊपर की तरफ आएगा ऐसे। अगर इस रस्सी को कोई इंसान सामने की तरफ से गले की तरफ दबाएगा बहुत प्रेशर के साथ तो निशान सीधा आएगा, और ये निशान यही बता रहा है कि इसे सामने से दबाया गया। देखो ये सीधा निशान, ऊपर की तरफ नहीं। आप लोग कहाँ थे आप लोग जब ये खून हुआ? सर हम घर के सामने थे सर, ये मुझसे झगड़ा कर रही थी और मैं इसे मना रहा था सर। पर गलती तो तुम्हारी थी ना, और तुम्हारी वजह से लड़ाई भी हो रही थी। एक मिनट, ये आप लोग झगड़ा बाद में करते रहना, ये बताओ कि खून किसने किया? सर वो पता नहीं, लेकिन वो कोई लड़की थी। इसका मतलब आप लोगों ने खूनी को देखा? नहीं सर, हमने खूनी को नहीं देखा। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि खूनी कोई लड़की थी? मनन किसी लड़की से बहस कर रहा था, उसकी चीख से पहले वो किसी लड़की से बहस कर रहा था। अच्छा, वो क्या बोल रहा था? वो जोर जोर से यही चिल्ला रहा था कि तुम जिंदा हो, तुम तो मर चुकी थी। फिर सर जोर से उसकी चीख सुनाई दी और हम लोग दौड़ के यहाँ पे आए, और फिर आके देखा मानन मर चुका था। वॉचमैन जरा ठीक से याद करके बताओ कि पिछले 2 घंटे में यहाँ पे कौन कौन आया था? हाँ सर, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं पूरा टाइम गेट पे ही ड्यूटी कर रहा था, और साहब मेम साहब और मनन साहब के अलावा यहाँ पे कोई नहीं आया। हो सकता है किसी और रास्ते से कोई अंदर आया हो। सर इस घर के चारों ओर तो यहाँ घुसना नामुमकिन है। ना, कोई तो जरूर आया है अंदर। वो अंदर आया, खून किया और चला गया। और स्विमिंग पूल को चेक किया, कुछ मिला? सर ये बिना ढक्कन की बॉटल के अलावा कुछ भी नहीं मिला सर, मगर पानी क्या मस्त है, ठंडा ठंडा, बहुत मजा आ रहा है। पंकज यहाँ पर क्या पिकनिक मनाने आए हो? नहीं सर, नहीं सर, भारत हो भारत। ये लड़की कौन है जिसे मनन देख के कह रहा था कि तुम जिंदा कैसे हो सकती हो, और वो यहाँ आई कैसे? सर वहाँ हॉस्पिटल में भी सारी खिड़की सारे दरवाजे अंदर से बंद थे, वो लड़की किसी तरह राकेश के कमरे में घुसी, उसका खून करके वहाँ से भाग गई, जबकि राकेश की माँ वहीं कमरे में मौजूद थी, फिर भी उन्हें कुछ पता नहीं चला। सर यहाँ बंगलों में भी वो लड़की किसी तरह बंगलों के अंदर घुसी, मनन का खून किया और यहाँ से भाग गई, फिर भी इन्हें कुछ पता ही नहीं चला। सर इस केस में एक ही चीज कॉमन है, लड़की। वहाँ हॉस्पिटल में भी शक एक लड़की की तरफ जा रहा था, और यहाँ पे भी शक एक लड़की की तरफ जा रहा है। सर ये केस सॉल्व हो गया सर। मैं आपको बताता हूं, ये एक बहुत खूंखार आत्मा है सर, जो एक लड़की की बॉडी में घुस के ये सब पूरा कांड कर। पंकज तुम्हें क्या फ्रेडी की बीमारी लग गई है? हाँ, ये आत्मा क्या? निखिल चलो इन्हें फोटो देखो पहचानते हैं क्या? ये आप लोग इसे पहचानते हैं? सर ये तो मनन का फ्रेंड राकेश है, मनन और राकेश दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। कई बार मिले भी हैं इससे मानन की पार्टी में, और फिर सर कई बार हमारे घर पे भी आए हैं। राकेश की मौत के बाद मनन काफी डिस्टर्ब था, इसलिए मनन को हमने अपने साथ बुला लिया। तो हो सकता है कि दोनों का खून ही कोई एक ही हो, और उसे पता था कि मनन उसे कहाँ मिलेगा। पर सर हमारे सामने अब भी वही सवाल है, वो लड़की इस बंगलों के अंदर आई तो आई कैसे? हाँ सर, कोई आदमी आसमान चीर के या फिर जमीन फाड़ के थोड़ी आ सकता है, ये जरूर कोई आत्मा। हाँ, जमीन फाड़ के तो आ सकता है। अब जरा देखो यहां से बाहर निकलने का जमीन में कोई रास्ता है क्या? सर ये फोटो देखो,
इसे पहचानते हो आप लोग? फोटो में तो कुछ साफ नहीं दिख रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। ये देखो सर, मैं इसको नहीं पहचानता, ये कौन है ये सर? ध्यान से देखिए, शायद कोई निशानी हो जिसे पहचान लो। सर! हाँ? क्या हुआ? सर, ये मैन होल। खोलो से। ओ। तो ये है उस खूनी के आने जाने का रास्ता। तो खूनी यहीं से आया होगा, उसे सब पता था कहां से अंदर आना है और खून करके कहां से निकलना है। ये काम करो, देखो जरा ये रास्ता कहां पे खुलता है। राकेश का हॉस्पिटल में खून और मन्नन का स्विमिंग पूल में गला घोटकर मार देना, दोनों हादसों में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। लगता है कोई बदला ले रहा है इससे। हाँ सर, 7 साल पुराना बदला। क्या 7 साल पुराना बदला? जी सर। सर ये दो लोग जो मरे हैं, राकेश और मनन, ये 7 साल पहले जूनियर टेक्निकल कॉलेज में मिले थे और दोनों बहुत जल्द अच्छे दोस्त बन गए थे। और उसी साल एक हादसा भी हुआ था सर। वो क्या? सर एक कार रेसिंग कॉम्पिटिशन में एक कार एक्सीडेंट में एक लड़का और लड़की मारे गए थे, और उसी कॉम्पिटिशन में ये राकेश और मन्नन भी थे। इन लोगों ने वो कॉम्पिटिशन जीती भी थी। मगर सर उस हादसे का इन दोनों की मौत से क्या ताल्लुक है? सर वो जो लड़की मरी थी वो ये है सर, नैना। अरे सर ये तो वही लड़की है जो कार एक्सीडेंट करके हॉस्पिटल आई थी जिस दिन राकेश एडमिट था। और ये है उसका असली चेहरा। सर मैंने इस लड़की की फोटो दिखाकर कंफर्म कर लिया है घबरू से। उसने कहा कि यही वो औरत है जिसने उसे पैसे देके नाटक करने के लिए कहा था, और उस नर्स ने भी इसी लड़की का ट्रीटमेंट किया था। तो फिर ये लड़की 7 साल पहले मरी नहीं थी? सर उस एक्सीडेंट में एक लड़का और लड़की मारे गए थे, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फिंगरप्रिंट से तो यही कन्फर्म हुआ है। तो फिर ये मरी हुई लड़की जिंदा कैसे हो गई? जयवंती ये लड़की जिंदा नहीं हुई, नैना जिंदा नहीं हुई, नैना की जगह कोई है और ही लड़की है, कोई और है। सर मैंने इस नैना की पूरी डिटेल्स निकाली है, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था, अनाथ थी वो। तो फिर दया ये बदला ले कौन सकता है? सर उसी कार रेसिंग कंपटीशन में राकेश और मनन का एक और दोस्त भी था, विक्रांत। एक दोस्त भी था? तो फिर दया लगता ये जो भी कोई बदला ले रहा है ना, शायद विक्रांत से भी बदला लेगा। विक्रांत की जान को खतरा है दया, विक्रांत को ढूंढना पड़ेगा। खूनी जरूर विक्रांत के पास पहुंचेगा, जरूर जाएगा वो विक्रांत के पास। ध्यान से, उस लड़की ने इस रास्ते का इस्तेमाल किया है मनन का खून करने के लिए। यहीं से बंगलों में घुसी और यहीं से बाहर आई। अगर यहाँ से बाहर आई है तो उसे यहाँ से बाहर आते हुए जरूर किसी ने देखा होगा। अरे सुनो भाई सर। हाँ जी सर। इस लड़की को देखा? हाँ अब देखा है ना सर। कब और कहाँ देखा? मैडम देखिए, हम दुकान छोड़ के कहीं नहीं हिलते हैं, टिके रहते हैं यहाँ पर, तो अब यही देखा होगा ना। अच्छा वो किधर गई कुछ पता है आपको? बस इतनी रोड पे से वो बबलू की टैक्सी में गई है। बबलू की टैक्सी? कितने बजे? 10:30 होंगे मैडम। मनन का खून हुआ था सुबह 9 बजे और क्राइम सीन से यहाँ पहुँचने में तकरीबन 1 घंटा लगा, मतलब हमारा शक सही निकला। भाई साहब ये बबलू टैक्सी वाले का मोबाइल नंबर है आपके पास? सर यही वो जगह है जहाँ पे मैंने उस लड़की को छोड़ा था। यहाँ पे? हाँ सर। ये तो काफी बड़ी जगह है, यहाँ पे किस तरफ गई होगी लड़की कुछ कह नहीं सकते। एक काम करते हैं, मोबाइल कंपनी को फोन करके पता करता हूँ कि मलाड क्रीम पार्क से सुबह 10:30 से 12 बजे के बीच शीतल नगर में कितने लोग आए, कितने मोबाइल ने ट्रेवल किया है। हमारा सस्पेक्ट उन्हीं में से एक होगा। ठीक है, तुम लोग भी उस लड़की की फोटो दिखाकर पूछताछ करो, पिछले 2-2.5 घंटे में किसी ने देखा है क्या उसे।
हेलो क्या नंबर पता है? आजिया 57 अभी भी है ओके कौन सी बिल्डिंग थैंक यू वेरी मच चार लोग यहाँ पर आए थे उसमें से एक लड़की है जो अभी भी आई है उस लड़की का मोबाइल जब राकेश का खून हुआ तो हॉस्पिटल के पास था और जब मनन का खून हुआ तो बंगलो के पास था इसका मतलब डेफिनेटली वही लड़की है जिसका पीछा कर रहे हैं हम लोग और अभी ये शीतल नगर में या पारिस बिल्डिंग अरे सुनो भाई इस लड़की को तुमने देखा है यहाँ पे अरे हाँ साहब ये कुछ देर पहले ही यहाँ आई थी अभी बिल्डिंग में गई है कौन से फ्लोर पे थर्ड फ्लोर पे 302 कौन रहता है वहाँ पे दीपक साहब का घर है लेकिन कुछ दिनों से शहर के बाहर गए हैं साहब अरे तो यहाँ कौन रहता है किससे मिलने आई है वो दीपक साहब के एक दोस्त हैं विक्रांत जी वो यहीं रहते हैं विक्रांत कहीं ये विक्रांत तो नहीं राकेश और मेनन का दोस्त और यहाँ छुपके बैठा है हो सकता है और अगर वही है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है चलो पंकज तुम ये रुको देखना बाहर ना जाने पाए तो कोई भी नहीं ये तो विक्रांत है मर चुका है सर उस लड़की ने एक और खून किया और फिर से गायब हो गई नहीं इतनी जल्दी गायब नहीं हो सकती वॉचमैन ने बताया था ना अभी अभी तो ऊपर आई है बिल्डिंग में ही कहीं होगी नीचे से तो हम लोग ऊपर आए हैं नीचे उतरो क्या कर रहे हो पास मत आना नीचे पास मत आना नहीं तो मैं कूद जाऊंगी नहीं क्या 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 कर रहे हो मैं बता रही हूं कूद जाऊंगी नहीं नीचे 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 आओ नीचे आओ क्या क्या प्रॉब्लम क्या है देखो हम बात कर सकते हैं हमें बताओ हम तुम्हारी मदद करेंगे आ जाओ मुझे कोई मदद नहीं चाहिए तुम सीआईडी वाले कभी मेरा दर्द समझ नहीं सकते मैं अपने सारे दर्दों का बदला ले चुकी हूं अब मेरे जिंदा रहने का कोई फायदा ही नहीं है नहीं देखो हम जानते हैं तुम नैना नहीं हो उसका चेहरा लगा रखा है तुमने और तुमने जो किया है वो गलत किया है गुनाह किया है तुमने और खुद की जान देकर एक और गुनाह करने जा रही हो क्यों कर रही हो ऐसा हैं कौन हो तुम राकेश की मंगेतर तो तुमने खुद अपने मंगेतर का खून कर दिया खून नहीं किया है मैंने नहीं किया है मैंने खून नहीं किया है मैंने वो चुन की सजा जो कानून उसे नहीं दे सका राकेश ने मेरे भाई और उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया था अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर इसलिए मैंने भी उसका खून कर दिया उन लोगों ने तुम्हारे भाई और उसके गर्लफ्रेंड का खून किया ये तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो वो तो एक एक्सीडेंट था ना एक्सीडेंट नहीं था वो उस कार रेसिंग के दिन जब मेरे भाई की कार की ब्रेक्स फेल हो गई थी तब भाई ने मुझे फोन किया था और बताया था मुझे इसके पीछे राकेश और उसके दोस्त विक्रांत और मनन का हाथ है और फिर
फिर गाड़ी खाई में गिर गई और दोनों की मौत हो गई। मैं सिर्फ 14 साल की थी। 7 साल इंतजार किया है मैंने ताकि मैं अपने भाई और उसकी गर्लफ्रेंड की मौत का बदला ले सकूं उससे। हॉस्पिटल की खिड़कियां अंदर से बंद थी और सीसीटीवी फुटेज में तुम दिखाई नहीं पड़ी। ये काम तुम अकेले नहीं कर सकती थी। हॉस्पिटल का कोई आदमी है जो तुमसे मिला हुआ है क्यों? हाँ है, किसी ने मेरी मदद की थी और उसी ने राकेश की माँ को नींद की गोलियां दी थी जो 4 घंटे बाद ब्लड में घुल के खत्म हो जाती है। कौन है वो? नहीं, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी, वो नाम मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। छोड़ते जाओ, धीरे से। छोड़ दो, जाने दो, मुझे नहीं जीना चाहती मैं। Shut up! तुम्हें जिंदा भी रहना पड़ेगा और उसका नाम भी बताना पड़ेगा। कौन है वो? अरे डॉक्टर साहब, कहाँ जा रहे? वो भी अकेले अकेले? सीआईडी? डॉक्टर साहब कहाँ परेशान हो रहे हैं? अरे डॉक्टर साहब, हम तो आपको लेने आए हैं क्योंकि आप जिस प्रोग्राम के लिए जाने वाले थे ना, वो सारा प्रोग्राम अब कैंसल हो गया है। अब आपका प्रोग्राम हमारे साथ, हमारे ही जेल में। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।